बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप बच्चे हम अपना लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं स्टोइकोमेट्री, और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन एंड सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है फॉर चैप्टर वन, दैट इज योर स्टोइकोमेट्री। नाउ फर्स्ट हमें डिस्कस व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन It represents the relative amount of each element or molecule in a compound. It represents the relative amount of each element present in a compound. Its formula is percentage composition of element equal to. बच्चा आप लोगों ने इसके फार्मूला में ए आर मीन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बच्चा फार्मूला अप्लाई करोगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। अच्छा इसको बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हो। लेट द क्वेश्चन इज फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। आपने यूरिया में द फार्मूला फॉर यूरिया इज NH2CONH2, दिस द फार्मूला फॉर यूरिया। तो अच्छा आपने यूरिया में परसेंटेज फाइंड करनी है नाइट्रोजन की, और एलिमेंट यू मे राइट यू मे आस्क टू फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन यूरिया, आप किसी की भी निकाल लो। नाइट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। There are two nitrogen in urea, so multiply with 2 because atomic mass of element in that compound divided by urea ka molar mass n bache 14 plus H ka mass 1 into 2 plus carbon ka mass 12, oxygen is 16, nitrogen is 14, H is 1 into 2 multiply by 100। To ye bache aap solve karenge 28 डिवाइडेड बाय, आप इसको ऐड करें बच्चे आपका आंसर आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सॉल्व करें एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी इन परसेंटेज, दैट इज 46.6%। इट मींस नाइट्रोजन इज 46% इन यूरिया। तो बच्चे आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज उस कंपाउंड में फाइंड कर सकते हैं। इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक फाइंड परसेंटेज of all elements in glucose, तो जब formula for glucose is C6H12O6, तो आपने इसमें सारे elements mean carbon, hydrogen and oxygen तीनों की percentage find करनी है। तो write the formula percentage of carbon equal to, बच्चे carbon का atomic mass 12 and there are 6 carbons in urea multiply by 6 by इसका molar mass 12 into 6 plus 1 into 12 for hydrogen and 16 for oxygen and there are 6 oxygen in glucose multiply with 100। तो ये बच्चा आपका आंसर आएगा, that is 72 divided by, आपने ऐड करोगे your answer is 180 multiply by 100। तो ये बच्चा आपका आंसर आएगा कार्बन का 40%। It means in glucose there is 40% carbon. Now we find percentage of hydrogen. अगर आप find करने जा रहे हो तो बच्चे H का mass 1 and there are 12 hydrogen in glucose divided by इसका molar mass आपने solve किया, that is 180 multiply with 100, that comes out to be 6.67% of hydrogen in glucose. And similarly you find percentage oxygen equal to, बच्चे O का atomic mass 16 है, there are 6 oxygen in glucose multiply with 6 divided by molar mass of glucose multiply with 100, so that comes out to be 53.3%। तो ये बच्चे आपके पास निकल आया percentage of each element in glucose। अगर आप इन सब की percentage को add करते हो तो that comes out to be 100%। तो चलिए हमारे पास था परसेंटेज फाइंड करना किसी भी एलिमेंट की इन द रिस्पेक्टिव कंपाउंड। नाउ वी सॉल्व एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम, फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर। परसेंटेज आपने फाइंड करना है वाटर का इन
compound magnesium sulfate dot 7H2O. तो यहाँ पे आपने परसेंटेज फाइंड करनी है वाटर की, तो आप एलिमेंट के बजाय कंपाउंड ले लोगे, लाइक परसेंटेज ऑफ वाटर दैट्स इक्वल टू मोलर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. वी राइट एम आर ऑफ वाटर इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई विद 100. तो ये आप सॉल्व करें, वाटर का मोलर मास 1 फॉर हाइड्रोजन, देयर आर 2 हाइड्रोजन, 2 प्लस 16 दैट्स इक्वल टू 18, देयर आर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मोलर मास Mg 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई विद 4 एंड 7 इंटू वाटर 18, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18. आप इसको सॉल्व करेंगे, योर आंसर इज, तो जिसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 126 डिवाइडेड बाय 246 मल्टीप्लाई विद 100 एंड योर आंसर इज 51.21% ऑफ वाटर इन MgH2O4. नाउ वी सॉल्व वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम, फाइंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 20 ग्राम्स ऑफ अमोनिया. अच्छा, आपको अमोनिया मॉलिक्यूल गिवन है और आपको इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फाइंड करने हैं. अच्छा, आपको मैंने एक टेक्निक बताई थी, वो आप जहन में रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी. दैट इज, आप पहले न्यूमेरिकल का डाटा अरेंज कर लेते हैं, देन यू सी डाटा में अगर सेम इंफॉर्मेशन है, सेम सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर सब्सटेंस डिफरेंट हो, फॉर डिफरेंट सब्सटेंस आपको दो काम करने पड़ते हैं. आप पहले गिवन सब्सटेंस के जो न्यूमेरिकल डाटा में गिवन है आप उसके मोल फाइंड करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट फार्मूला, और जो लास्ट स्टेप में जो आपका अननोन सब्सटेंस है आप उसके भी मोल फाइंड करते हैं फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो चलिए, वहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स थी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की. अगर आप ये बात जहन में रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएंगे. राइट, मैं इसका पहले डाटा अरेंज करता हूँ. वी आर गिवन द मास ऑफ अमोनिया दैट्स इक्वल टू 20 ग्राम्स इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. अच्छा, आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अमोनिया. तो आपका पहला काम अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड, तो पहले आप गिवन सब्सटेंस के मोल फाइंड कर लो. वी राइट मोल ऑफ अमोनिया इक्वल टू मास बाय मोलर मास. तो आपको मास गिवन है 20 एंड मोलर मास फॉर अमोनिया 14 प्लस 3 दैट्स इक्वल टू 17. तो बच्चे आप फाइंड करेंगे दैट इज मोल ऑफ अमोनिया इक्वल टू 1.176 मोल्स फॉर अमोनिया फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन. बच्चे आप चेक करना अमोनिया रेशियो कोवेलेंट बॉन्ड, मैं गिवन में और अननोन में रेशियो बना रहा हूं, अमोनिया रेशियो कोवेलेंट बॉन्ड्स. अगर आप अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को ओपन कर लें, यू गॉट 1 लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड देयर आर 3 बॉन्ड्स पेयर मीन 3 कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन. सो वी से 1 अमोनिया मॉलिक्यूल कंटेन 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स मीन 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल कंटेन 3 मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. आपने बच्चे मोल फाइंड किए 1.176 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो ये बच्चे आपके निकल आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट कम्स आउट टू 3.53 मोल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ यू फाइंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन अमोनिया, तो अच्छा फॉर्मूला अप्लाई कर लो, दैट इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. आफ्टर अप्लाइंग फार्मूला योर आंसर इज 3.53 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10^23. नाउ योर आंसर इज 21.2 × 10^23 कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो ये बच्चे हमारे पास फाइनल आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड इन अमोनिया.
बच्चे आप इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इफ द क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू आर टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स इन 20 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो बच्चे आपका सेम काम, आपको मैथ्स गिवन है, आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अमोनिया, तो आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करने, तो पहले आप इसके मोल निकाल लें, मैथ्स बाय मोलर मैथ्स, तो ये आपके मोल निकल आए। फिर आप रेशियो बनाएंगे फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, तो अच्छा चेक करें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, द एटॉमिक नंबर फॉर नाइट्रोजन इज 7 एंड फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1 एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो बच्चे देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 10, सो वी से वन अमोनिया मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो अच्छा अगर आप मोल्स फाइंड करते हो तो 1 × 1.176 को मल्टीप्लाई करें, यू गॉट 10 × 1.176, ये बच्चे आपके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे इन द गिवन कंपाउंड, दैट इज 11.76 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चे आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर्मूला में डाल दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें विद एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.02×10³23, तो जब सॉल्व करेंगे एंड योर आंसर इज 70.8×10³23 इलेक्ट्रॉन्स इन 20 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो ये बच्चा आपके पास निकल आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 20 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। हम लोग इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको कहते हैं यहाँ पे प्रोटॉन निकालें तो अमोनिया में अगेन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन्स, तो आप यहाँ पुट करेंगे प्रोटॉन तो आपका आंसर सेम आ जाएगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, तो अच्छा आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं इन अमोनिया मॉलिक्यूल, पहले आपने मोल निकालने हैं, फिर आप रेशियो बनाएंगे अमोनिया रेशियो एटम्स, सो वी से देर आर 4 एटम्स इन अमोनिया, तो आप मल्टीप्लाई करें विथ 4 एंड योर आंसर इज 4.7 मोल्स, एंड यू हैव डन योर प्लस द फार्मूला नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स इनटू एन, तो जब आपने मोल्स निकाले 4.7 तो मल्टीप्लाई कर दो दिस फैक्टर विद 4.7, 28.3×10³23, ये बच्चे वहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो सॉल्व एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, तो चाहे आपके एटम्स इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड्स प्रोटॉन आप एवरीथिंग फाइंड कर सकते हो बाय द सिंपल टेक्निक। नाउ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन 100 cm क्यूब ऑफ मीथेन react with water to form carbon monoxide and H2 gas. अच्छे before the data आप इसका reaction बना लें, the question is methane reacting with water to form carbon monoxide and H2 gas. Now you have to balance the equation, carbon 1 balanced है, H4N2 6, अच्छे आप यहाँ लगा दोगे 3, it is balanced and now O is balanced as well. The data is you have to find volume of hydrogen क्वेश्चन मार्क एंड वॉल्यूम ऑफ मीथेन दैट इज 100 cm³, इट इज गिवन इन द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन गिवन एट STP, तो चाहे एक बार ध्यान में रखना अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय एवोगैड्रोस लॉ मोल्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, तो आप वॉल्यूम्स को मोल्स के इक्वल ट्रीट कर सकते हैं फॉर गैसियस स्टेट अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मीन्स इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मीन दे आर मोल्स, तो आप सॉल्व कर लें फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बच्चा आपको गिवन है मीथेन, आपको फाइंड करना है हाइड्रोजन, द मोल्स ऑफ मीथेन आर 1 इन द बैलेंस इक्वेशन एंड फॉर हाइड्रोजन द मोल्स आर 3, द गिवन वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज 100 cm³, तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 ऑन बोथ साइड्स 3×100, तो योर आंसर बच्चे आपका आएगा दैट इज 300 cm³, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन 100 cm³ ऑफ मीथेन रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट।
द क्वेश्चन इज हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा आपको फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर कंप्लीट कम्बशन ऑफ टू मोल्स ऑफ ब्यूटेन. अच्छा आपका पहला काम मेक ए केमिकल रिएक्शन देन सॉल्व द क्वेश्चन. अब ब्यूटेन की कम्बशन फार्मूला फॉर ब्यूटेन C4H10 दैट कम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दीज आर द कम्बशन प्रोडक्ट. आप जब भी कम्बशन करते हो हाइड्रोकार्बन की रिगार्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब आप इसको बैलेंस करेंगे देर आर फोर कार्बन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. बच्चे आप यहाँ फोर प्लेस करें कार्बन इज बैलेंस. देर आर 10 हाइड्रोजन तो आप यहाँ बच्चे 5 लगाओगे एच इज बैलेंस्ड एज वेल. व्हेन वी बैलेंस ऑक्सीजन देर आर 2 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 टू द 8 प्लस 5 देर आर 13 ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड. तो अब आपका ऑक्सीजन ओ से बैलेंस नहीं होगा इन द नॉर्मल वे. तो आप क्या करेंगे बिकॉज वन नंबर इज इवन वन नंबर इज ऑड. तो आपने क्या करना है राइट साइड पे आपका जो आंसर आ रहा है 13 इसको डिवाइड कर दें 2 पे तो इट इज बैलेंस. 13 इंटू 2 26 बाई 2 दैट इज 13 एंड 13 हेयर इज वेल. नाउ फॉर द केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन इन द सिंपल होल नंबर रेशियो. तो आप ये करोगे सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड योर आंसर इज 2 moles of butane reacting by 13 moles of oxygen that gives us 4 into 2, 8 moles of carbon dioxide and 5 multiplied with 2, 10 moles of water. And now the question is, आपको जब मैं डाटा अरेंज कर रहा हूँ द डाटा इज आपने फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन मार्क एंड मोल्स ऑफ ब्यूटेन दैट्स इक्वल टू 2 मोल्स. आपको मोल्स गिवन है गिवन सब्सटेंस के. अब अननोन के मोल निकालेंगे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन. आप रेशियो बनाएंगे गिवन सब्सटेंस रेशियो अननोन सब्सटेंस. तो फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन 2 moles of butane reacting with 13 moles of oxygen. अच्छे हमने आंसर फाइंड करने है 2 moles का तो that is the answer for 2 moles. So our answer is 13 moles oxygen. That is your answer. The next question is आपको इस question में density given है from the numerical data 2.89 grams per cm cube for CHBr3. आपको वॉल्यूम फाइंड करना है CHBr3 का और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है अगेन फॉर CHBr3. तो दीज आर द इंफॉर्मेशन फॉर द सेम सब्सटेंस. तो आपका पहला काम आप फॉर्मूला लिखेंगे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. आपको वॉल्यूम फाइंड करना है यू गॉट वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. इट मीन्स हमें डेंसिटी न्यूमेरिकल में गिवन है तो आपको मास फाइंड करना है फॉर CHBr3 एंड इन दिस गिवन डाटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन. तो जब अप्लाई करें फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास मींस मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर. तो मोल मीन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. तो जब आप वैल्यूज पुट करते हैं इसकी देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर 4.8 × 10^24 इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड मैस आपको फाइंड करना है CHBr3 का. मोलर मैस फॉर CHBr3 कार्बन फॉर 12 एच मैस इज 1 फॉर ब्रोमीन द मैस इज 80 एंड देयर आर 3 ब्रोमीन्स इन द गिवन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई विद 3 और उसको अच्छे होल मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10^23. इसको सॉल्व कर लें रीअरेंजिंग 4.8 × 10^24 डिवाइडेड बाय 6.02 × 10^23 इक्वल टू मास और जिसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 253. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 253 मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर 4.8 × 10^24 डिवाइडेड बाय 6.02 × 10^23. तो ये बच्चे आपके निकल आएगी मास इन ग्राम्स ऑफ CHBr3 दैट इज 2016.6 grams. ये बच्चे आपका मास निकल आया. इसको आप यहां पुट करोगे टू फाइंड वॉल्यूम इन सीएम क्यूब दैट इज वॉल्यूम इक्वल टू मास 2016.6 डिवाइडेड बाय
that is your density is given 2.89 gram per cm cube. So your answer final in cm cube of CHBr3 that is 697.8. In this question, the volume of aluminium is given 2.50 cm cube, mass of hydrogen question mark, and density of aluminium is given to us. तो अच्छा आपका पहला काम अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हो दैट इज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन तो अच्छा आपका पहला काम आप इसका रिएक्शन बनाओगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल्यूमिनियम रिएक्टिंग बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस H2 गैस एंड वी नो दैट व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस साल्ट एंड H2 गैस तो साफ अच्छा बनेगा साल्ट एंड साल्ट फॉर एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनियम क्लोराइड अब एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है और क्लोरीन की 1 तो एल्यूमिनियम नीड्स 3 क्लोरीन तो आप इसको बैलेंस करें अगर बच्चे अगर इसको बैलेंस करते हैं एल्यूमिनियम इज 1 क्लोरीन यहाँ पर 3 है एच यहाँ पर 2 है इवन ऑड है तो आप यहाँ 2 प्लेस करें क्लोरीन इन द इवन नंबर आपके 2 एल्यूमिनियम देर आर 6 क्लोरीन एंड देर आर 6 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी राइट 3 हेयर नाउ इट इज बैलेंस तो अच्छा आपका पहला काम आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया अब आप चेक करो आपको गिवन सब्सटेंस के मोल फाइंड करने हैं नाउ जब आप चेक करें अप्लाई द फार्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम अच्छा अगर हम इसको रीअरेंज करें मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अगर हम यहां से मास निकाल लें तो आपको एल्यूमिनियम के मोल निकालने में काफी आसानी होगी तो इसे मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड mass of aluminium comes out to be density is given to you and a volume is given as well so density for aluminium is 2.70 grams per cm cube and volume is 2.50 cm cube to jab solve karenge to aapke paas aluminium ka mass aa jayega that is 6.75 gram to ye bachcha aapka aluminium ka mass aa gaya ab aap iske moles find kare aur isko normal way mein solve hum easily kar sakte hain ab we find the moles of aluminium The formula is moles of aluminium equal to mass by atomic mass for aluminium. तो अच्छा आपको mass given है 6.75 आपने find कर लिया है atomic mass of aluminium is 27. तो ये आप solve करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे जी moles of aluminium and that comes out to be 0.25 moles. ये अच्छा आपके मोल निकला है अब आप from balanced chemical equation आप ratio बना लें Given ratio unknown. Aluminium is given in the data and H2 is unknown. Question mark. In balanced reaction, there are 2 moles of aluminium and 3 moles of hydrogen. तो अच्छा आपको left side 1 करनी है, तो 1 के लिए आपका आंसर आएगा 3/2. और आपने moles निकाले aluminium के 0.25 multiply on both sides. 3/2 into 0.25. That comes out to be moles for hydrogen. तो बच्चे आपके मोल निकला H2 के दैट इज 0.375 मोल्स अब अच्छा आप इसके मास फाइंड कर लो वेरी इजीली तो मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू मास बाय मोलर मास आपने बच्चे मोल निकाले 0.375 मास आपको फाइंड करना है एंड मोलर मास फॉर हाइड्रोजन इज 2 तो दैट कम्स आउट टू द फाइनल आंसर फॉर मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम्स And that is 0.75 grams of hydrogen. तो ये बच्चे आपका final answer. तो solve different types of questions. तो चाहते हैं इसको हम यहाँ end करेंगे. ये हमारा stoichiometry का last lecture था. और chapter 1 आपका यहाँ पर finally end.